हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। गाइज, अभी तो आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपकी हालात बिगड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको अपने गांव का ही एक ऐसा जगह दिखाने वाला हूं जिसके रहस्य को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। गाइज, आप ये जो घर देख रहे हैं, ये कोई मामूली घर नहीं है। ये एक ऐसा पुस्तकालय है जो आज़ादी से भी पहले बनाया गया था। यह पुस्तकालय की हालात 2006 तक अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ग्रामीण लोगों के ढीलाछीली से यह पुस्तकालय का हाल बहुत ही बुरा हो गया। लगभग इस पुस्तकालय को बना 80 वर्ष के करीब में हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि 80 वर्ष के बाद यह पुस्तकालय की किताब का क्या हाल है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पुराने किताबों का भंडार जो कि एकदम सड़ चुका है। ये सारे किताब खंडर में बदल चुका है, लेकिन जो भी गोदरेज में किताब यहाँ पे रखे गए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब, ये सारे अभी सेफ हैं। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये सारे किताब भी खंडर में बदल जाएंगे। लोगों के जानकारी के अनुसार इस पुस्तकालय में चारों वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र भी मौजूद हैं, जो लोगों के जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है इस पुस्तकालय का। ऐसे ही सारे जो टेबल है, कुर्सी है, वो सारे अभी सुरक्षित है, लेकिन ये अंदर से सड़ चुके हैं। इसके छत की स्थिति देखिए, ये पूरे टूट टाट गए हैं, मेघ आने पर ये चू भी सकता है। हम लोग का जब से जन्म हुआ दोस्तों, तब से मैं इस पुस्तकालय को ऐसा ही देख रहा हूँ, लेकिन अब के बाद हम लोगों के जेनरेशन में इस पुस्तकालय का सुधार जरूर होगा। इसी को लेकर हमारे ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो सारे साफ सफाई में लगे हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए कैसे हमारे गांव के कुछ लड़के हैं जो कि पुस्तकालय के साफ सफाई में लगे हैं, और कुछ लड़के आने ही वाले हैं कुछ देर में। ये आप लोग देखिए इसके अंदर का क्या स्थिति हो चुका है इस पुस्तकालय का। ये तो पुस्तकालय टाइप के कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। आइए इसके अंदर के कुछ सामान को आपको दिखाते हैं। ये देखिए पुराना टेलीफोन, जो कि इसका मरम्मत करवाने पे ये अभी भी चल सकता है। और देखिए ये यंत्र सब देखिए। ये पुस्तकालय की खराब स्थिति के कारण लोग इसे किताबों का नहीं बल्कि भूतों का घर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पे क्या लिखा हुआ है। हीरा पुस्तकालय गम्हरिया, अध्यक्ष के नाम कुछ नीचे लिखे हुए हैं जो आप लोग देखिए, और भी कुछ अध्यक्ष के नाम लिखे हुए हैं जो कि इनके देखभाल में इन लोगों को रखा गया था। लेकिन इन लोगों के निधन के बाद गाँव के कोई भी आदमी इस पुस्तकालय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और ये एक पुस्तकालय नहीं बल्कि भूतों का घर बन चुका है। लेकिन अब के इस नए जनरेशन द्वारा इस पुस्तकालय का बहुत ही अच्छे से मरम्मत किया जाएगा। तो गाइज, आपको इस पुस्तकालय के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे पंचायत के जितने भी मुखिया, वार्ड और सरपंच महोदय जी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया आप इस कार्य में युवाओं का सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग तो इस कार्य में कभी सहमति देंगे नहीं। तो जो लड़के इस कार्य को करने जा रहे हैं उसको मोटिवेट करें कि इस कार्य में वो सफल हो सके। तो गाइज, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।